करनाल शहर के अमृतधारा अस्पताल के मालिक डॉक्टर राजीव गुप्ता की सेक्टर 16 चौक पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने डॉक्टर पर तीन राउंड फायर किए, जिनमें से दो गोलियां डॉक्टर की छाती पर लगी। खून से लथपथ डॉक्टर को उनके ही अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने करीबन एक घंटे तक उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन रात को 8 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद करनाल रेंज के IG और SP अस्पताल में पहुंचे। बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर SP ने अलग अलग 5 टीमें गठित कर तलाश अभियान शुरू कर दिया है। फिलहाल अभी तक डॉक्टर की हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। 6:30 बजे जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिनका ये हॉस्पिटल है अमृतधारा, इनको किसी ने गोली मार के वहाँ से फरार हुए हैं। तो तुरंत उनको पहले तो हॉस्पिटल में जो ड्राइवर साथ था वो लेके आया, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो एक्सपायर हो गए। और ये सूचना मिली है, एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के थे, जिसने एक ने फेस को ढक रखा था। स्पॉट अभी हमने मौका विजिट किया है, वहाँ जो भी क्लू मिल सकते हैं वो जो क्लू कलेक्ट किए हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम जो हमारी एक्सपर्ट सीन ऑफ क्राइम टीम है FSL की, वो मौके पर आई है। उन्होंने मौका मुआवना और जो स्पॉट को चेक किया है। प्रशासन को इस बात के लिए सरकार की तरफ से छूट मिलनी चाहिए कि इस किस्म की वारदात करने वाले लोगों के खिलाफ वो सख्त से सख्त कदम उठाए, एनकाउंटर कर देना चाहिए, तब जाकर के इन चीजों पे रोक लगे। एनकाउंटर क्या हुआ, कैसे हुआ? जैसे सेक्टर मैं चौड़ा बाजार से निकला सर, तो चौड़ा से सेक्टर 16 का मोड़ आता था, वहाँ पे आके सर मैं ब्रेकर आया, मैं ब्रेक पर थोड़ी ब्रेक मारी सर, वो एकदम मेरी गाड़ी के आगे आके सर तो उन्होंने अंदर गोली चला दी। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे थे, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, तीन बंदे थे सर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए KCRA हमारे संवाददाता करनाल से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। KCRA, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या किसी तरीके की आपसी रंजिश बताई जा रही है डॉक्टर की? आखिर क्यों हत्या की गई डॉक्टर की, क्या कुछ कहा है पुलिस ने? मामला जो है ना कल का है, कल शाम को, और जो डॉक्टर राजीव गुप्ता है, करनाल के जाने माने डॉक्टर थे, और उनको जो है ना 3 युवकों ने, बाइक सवार युवकों ने जो है नकाबपोश में गोली मारी थी। उनकी कार में बैठे सामने से उनकी छाती में गोली लगी, जिसके कारण उनकी अस्पताल में आकर मौत हो गई थी। उसी के बाद जो है ना वहाँ पर पुलिस बल पहुंचा, पूरे शहर की जो है ना मीटिंग करा करके घेराबंदी की गई है। और SP सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि 5 टीमें गठित की गई हैं, और जल्दी ही जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमारे सूत्रों ने बताया कि पुलिस को कामयाबी मिल चुकी है, और आज प्रेस वार्ता हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था और पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर हुआ था, और उसके लिए जो है पुलिस कहीं ना कहीं आज प्रेस वार्ता करते। और फिलहाल अभी जो है ना DGP करनाल में पहुंचने वाले हैं और पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया KCRA, आपका आगे भी जानकारी लेंगे, आपसे खबर को लेकर अपडेट लेंगे।